दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारा सवाल है कि इस कैंपस में जो फेलोशिप है उसको लगातार रोक कर रख दिया गया है पिछले 12 सालों से। एमसीएम इंजीनियरिंग एक खुला है, उसके लिए उसको किसी फेलोशिप को नहीं, उसे कोई फेलोशिप नहीं दिया जाता है। एक हॉस्टल बन के तैयार है, उसको नहीं खोला जा रहा, कहा जा रहा है पैसे नहीं। स्टाफ की लगातार इस कैंपस में क्रंच है और कहा जा रहा है कि पैसे नहीं। हम कहें कि 3 PWD हॉस्टल में लिफ्ट लगवा दीजिए, लिफ्ट चलवा दीजिए, क्योंकि वो फिजिकली वीक है, फिजिकली हैंडीकैप है। तो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तमाम चीज़ों में ये कहते हैं कि फंड्स नहीं है। लेकिन JNU कभी ऐसा नहीं था कि JNU पे पूरी तरह से एक राजनीतिक हमला है। और हम यही मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन जाके पूछना चाह रहे हैं कि आपको हमसे इतनी खुन्नस क्या है, आप हमें पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। 12 दिन हो चुके हैं, ये जब तक हमारी डिमांड्स नहीं सुनी जाती तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डिमांड क्या कहेंगे आपकी? डिमांड MCM बढ़ाने की डिमांड से, बराक हॉस्टल खोलने की डिमांड से, इस कैंपस में MTech और MPH को जो नॉन एड मिलता है उसको मिलने की डिमांड से, इस कैंपस में GS कैश लागू करने की डिमांड से, इसके साथ JNU का एग्जाम JNUE के जरिए हो ये डिमांड से, और इसके साथ तमाम चार्टर ऑफ डिमांड्स में हमने वाइस चांसलर को सौंपा है जो वाइस चांसलर को हमने दिया है। दिल्ली के JNU कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं कि JNU के छात्र हैं वो आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोमती गेस्ट हाउस है जिसके निजीकरण को लेकर के ये जो छात्र हैं पिछले 12 दिनों से यहाँ पर अनशन कर रहे हैं और आज ये अपने JNU में पैदल मार्च करते हुए जो विरोध प्रदर्शन है वो जता रहे हैं। इनकी कुछ डिमांड्स है, डिमांड्स को लेकर के इनका कहना है जब तक इनकी डिमांड्सों को पूरा नहीं किया जाता, उनकी मांगों को नहीं माना जाता, और इस तरह से ये अनशन जारी रहेगा। 12 दिन बीत चुके हैं लेकिन बावजूद जिस तरह से इनकी जो मांगे हैं अभी तक उस पर प्रशासन का कोई भी संज्ञान नहीं है, लेकिन आज ये मजबूर होकर के ये JNU कैंपस से लेकर बाहर सड़कों तक ये प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। और इनका कहना है कि जब प्रशासन और सरकारें इनकी मांगों को नहीं मान लेती और तब तक इस तरह से इनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना पंजाब केसरी.com दिल्ली।